दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज के साथ गलत किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान एम्पायर की मदद से शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज को बेईमानी से करवाया टाइम आउट। तो भारत से मदद मांगते हुए आखिर शाकिब अल हसन क्या बोले वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शाकिब अल हसन और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का 38वां मुकाबला खेला गया और दोस्तों इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने 3 विकेट से जीत हासिल कर ली। हालांकि आपको बता दें कि यह मुकाबला वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला बन गया, क्योंकि यहां पर श्रीलंका की टीम ने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले थे और बांग्लादेश के आगे 279 रन बनाकर 280 रन का लक्ष्य रख दिया था। हालांकि यहां पर श्रीलंका की जब पारी शुरू हुई थी तब पथुम निसंका 41 तो सदीरा समर विक्रमा भी 41 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। और वहीं श्रीलंका के लिए यहां शतक जड़ते हुए चरित असलंका ने 108 रन बनाए और धनंजय डी सिल्वा ने 34 रन बनाकर अहम मौके पर 279 रन पर श्रीलंका को पहुंचाया। और इस दौरान बांग्लादेश की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो यहां पर तंजीद हसन और लिटन दास ने पारी की शुरुआत तो की, लेकिन दोनों बल्लेबाज अपना विकेट सस्ते में ही गवा बैठे और इन दोनों के आउट हो जाने के बाद नजमुल हुसैन शांटू और शाकिब अल हसन ने मिलकर पारी को संभाला, जहां शांटू ने 90 रन बनाए तो शाकिब अल हसन ने 82 रन की पारी खेली। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में बांग्लादेश को 3 विकेट से शानदार जीत मिली। और यह मुकाबले में दोस्तों एक वाकया ने तो हर किसी को हैरान कर दिया, जब एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करवा दिया शाकिब अल हसन ने। हालांकि दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज को 2 मिनट में एक बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद आकर पहली गेंद खेलनी थी, लेकिन वो आने में काफी देर हो गए और उसके बाद उनका हेलमेट भी खराब हो गया और उन्होंने एम्पायर से परमिशन लिए बिना ही हेलमेट को चेंज करने की अपील कर डाली और यहां पर 2 मिनट से ज्यादा जब समय हो गया तो उनको टाइम आउट करार दिया गया। और दोस्तों इस नियम का पता एंजेलो मैथ्यूज को बिल्कुल भी नहीं था, जिसके बाद शाकिब अल हसन की यह हरकत पूरी दुनिया को पसंद नहीं आई। और दोस्तों इस पर अब सफाई देते हुए शाकिब अल हसन ने कहा, यह मुकाबला जीतकर काफी अच्छा लगा। मैं मानता हूँ कि आज मैदान पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल था, लेकिन इन सबसे हटकर सबसे अच्छी बात यह कि हमने मैच को जीता। हम वर्ल्ड कप से पहले भी बाहर हो चुके हैं, हमें अब दूसरी टीम की पार्टी खराब करनी है किसी भी हाल में, और हमने आज श्रीलंका को हराकर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली जीत हासिल की है। हालांकि यह सब मैंने अपनी टीम को जिताने के लिए किया। एंजेलो मैथ्यूज से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे नियमों के तहत कोई बल्लेबाज आउट होता हुआ दिखेगा तो मैं उसको आउट जरूर करूंगा, चाहे वो 99 रन पर ही क्यों ना खेल रहा उस वक्त। और वैसे भी एंजेलो मैथ्यूज का फॉर्म क्या चल रहा है मैदान पर हम सभी ने देखा है। क्या वो अकेले दम पर श्रीलंका को जिता ले जाते तो यह मैच दोबारा करवा लीजिए, लेकिन मैंने नियम में रहकर यह सब किया है। लेकिन श्रीलंका ने हमारी टीम को लगातार अनाप शनाप बोला और इस बीच सभी खिलाड़ी उनके हमारे खिलाफ ही नजर आए और ये हम कब तक सहन करेंगे। ICC श्रीलंका के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर ले, वरना हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और भारत इसमें हमारी मदद करे। तो दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं कि शाकिब अल हसन ने जो कहा वो सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।